नमस्कार दोस्तों, मैं उनकेश फिर से स्वागत करता हूं आपके चहेते न्यूज पोर्टल वेब पोर्टल द रियल वर्ल्ड में। दोस्तों, इस 19 कोविड की आज बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2019 को अपने समर्थन मूल्य यानी कि केंद्र और राज्य गवर्नमेंट की जो लड़ाई हुई, भीषण लड़ाई हुई, उसमें केंद्र ने अपने समर्थन मूल्य 1815 रुपये के समर्थन मूल्य पर राज्य को विवश कर दिया कि इसी मूल्य पर धान खरीदी होगी, अन्यथा वह अपने हिस्से की पेनल्टी यानी कि राज्य गवर्नमेंट से अपने हिस्से की धान नहीं खरीदेंगे, जिससे विवश हो गई राज्य गवर्नमेंट और 2500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने वाली राज्य सरकार ने 1875 रुपये की दर से सभी किसानों को पे किया। लेकिन अन्याय नहीं होने देने की बात भी राज्य गवर्नमेंट ने कही, जिसके तहत 2500 रुपये प्रति क्विंटल प्रत्येक किसानों के खाते में डाला जाएगा, यह बात राज्य गवर्नमेंट ने कही। जिसमें अलग से योजना बनी राजीव गांधी न्याय योजना, जिसके तहत 5100 करोड़ की बजट प्रावधान इसमें रखा गया और सभी जो 685 रुपये की राशि जो अगली किस्त के रूप में बननी थी, वह उसे 2 किस्तों के रूप में पे करने का निर्णय लिया। और यह प्रथम किस्त 3 अप्रैल से 350 रुपये के प्रथम किस्त के साथ किसानों के खाते में डालना था, लेकिन इस कोरोना कोविड-19 की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था राज्य गवर्नमेंट की चरमरा गई, जिस वजह से किसानों के खाते में यह राशि नहीं डल पाई। पता नहीं 2 किस्तों में यह राशि डलनी थी, जुलाई और अप्रैल, लेकिन अभी तक एक भी राशि किसानों के खाते में नहीं आई है। इस गरीबी की खस्ता हाल में किसान आस लगाए देख रहे हैं कि कब राज्य गवर्नमेंट उनके खातों में यह राशि डालेगी, जिससे कुछ हद तक उन्हें समस्याओं से निजात मिलेगा, क्योंकि रबी फसल दिया गया है और उनके पास खाद दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और दुकानदार भी अब उधारी में यानी कि उधार में देने से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर पहले से ही लेट से इस वर्ष धान खरीदी शुरू हुई, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ किसानों को हुई। कई जगहों पर किसानों के धान रिजेक्ट किए गए और उन्हें निराशा ही हाथ लगी, लेकिन ले दे के धान कुछ हिस्सों तक बिका। बहुत सारे किसान जो कि बिलासपुर एरिया में रहते हैं, उनका धान बिक नहीं पाया है। लेट लतीफी की वजह से यह किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यह दोस्तों, उन्हें आशा थी कि इस न्याय योजना के तहत 3 अप्रैल को उनकी खाते में राशि डाल दी जाएगी, लेकिन राज्य गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रकार से उनके खाते में राशि नहीं डाली गई, जिससे किसान बड़ी आफत में आ गए हैं। यह दोस्तों, बड़ी आशा से अपने खाते को चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अपडेट राज्य गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जा रही है और ना ही आगे की तिथि बताई जा रही है कि कब उनके खाते में राशि डाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, किसान छत्तीसगढ़ का मेन पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसानों से ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना हुआ है, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। देखते हैं अब आगे क्या निर्णय लेती है राज्य गवर्नमेंट किसानों की इस राशि को देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज बता दें कि 19 कोविड कोरोना की हमारे देश भर में संक्रमण जो 5734 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और मरने वाली की संख्या 159 हो गई है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है दोस्तों, और लॉकडाउन बढ़ाने का बहुत जगह सिफारिश चल रही है। बहुत से राज्य के मुख्यमंत्री और बहुत से स्वास्थ्य संगठन भी राज्य जो केंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी जगहों पर चर्चा करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा करके यह निर्णय लेने का बात कही है कि आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है दोस्तों, जबकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पहले ही 30 अप्रैल तक अपने राज्य की लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यह प्रथम मुख्यमंत्री है जो इस देश में लॉकडाउन को बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पूछने पर यह बात कही कि 12 अप्रैल है, वहाँ उस पर सभी विधायकों से चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसके बाद निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन बढ़ेगी या नहीं। और बता दें दोस्तों, उन्होंने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि 2 महीने के बिजली बिल उन्होंने माफ़ कर दिया है, यानी कि अभी आपको बिजली बिल देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश और दुनिया को थराए इस महामारी कोविड बहुत ही भयंकर रूप ले रही है। 3rd स्टेज में चल रही है यह हमारे देश में और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, संक्रमण की भी संख्या बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा खस्ता हाल महाराष्ट्र का है, जहां 1000 पार कर चुकी है संक्रमण और यह कंटिन्यू लगातार बढ़ते ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही है।
इस पूरी विश्व में कहे तो 76,000 लोग अपनी जानें गंवा चुकी है इस महामारी की वजह से। आप भी सतर्क रहिए और इस लॉकडाउन का भलीभांति पालन कर दीजिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे की खबर के लिए हमारे इस न्यूज़ पोर्टल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।